इतना गजब स्टेशन भाई, आई थिंक वर्ल्ड में नहीं कहीं होगा, मैं बोल सकता हूँ लिखित वर्ल्ड में नहीं होगा, इतना प्यारा, इतना खूबसूरत, इतना साफ सफाई वाला स्टेशन। ये देखिए योगनगर ऋषिकेश में हम, क्या नाम है, और हमारी गाड़ी यहाँ पे लग चुकी है, बस 2-3 मिनट में निकलने वाली है। चलते हम लोग जनरल में और ऋषिकेश से हरिद्वार तक हम जाएंगे, जनरल टिकट लिए हैं। हनुमान झूला रहेगा और ये लक्ष्मण झूला ऐसे ही रहेगा पर्यटक के लिए, देखने के लिए नया वाला जो बन रहा है, नया वाला हनुमान झूला हो जाएगा। सही है, क्योंकि पुराने चीज़ को अगर बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं, पुराने चीज़ को हटा के नया कर लेते हैं। पुरानी चीज़ कुछ यादों के तौर पर रहना चाहिए। ये है चोटी वाला रेस्टोरेंट, बहुत फेमस है, और यहाँ देखिए बैठे हैं बन के चोटी वाला, ओरिजिनल चोटी वाला ये थे, और आज ये बैठे हैं। दो ब्रांच है इसमें, कौन ओरिजिनल है कुछ पता नहीं चलता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी फ़िलहाल हम लोग चल रहे हैं ऋषिकेश के लिए, निकल रहे हैं अभी हरिद्वार में। हम लोग काली कमली वाला जो धर्मशाला है वहाँ पे हम लोग हैं। यहाँ का प्रांगण बहुत प्यारा है, देख सकते हैं आप लोग, एक नंबर का बहुत ही खूबसूरत प्रांगण बना हुआ है काली कमली वाला धर्मशाला। और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अभी जा रहे हैं स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन बगल में जस्ट इसके पास ही है। और 6:30 हो गया है, 7 बजे हमारी ट्रेन एक जाएगी हेमकुंड, जिससे हम लोग आए थे वैष्णो देवी से यहाँ तक हरिद्वार तक, वही जाएगी आगे भी। तो अभी उसी से हम लोग निकलेंगे सीधे ऋषिकेश के लिए घूमने, और सब लोग रेडी हैं, चलते हैं। पहले जनरल टिकट प्राप्त करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं आधे दूर स्टेशन के पास, बस यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है हम लोग का स्टेशन, और बस पहुँच के वहाँ से जनरल टिकट का पता करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसके बाद चलते हैं ऋषिकेश। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। हरिद्वार, हरि का द्वार, हरिद्वार। रेलवे स्टेशन पे आप सभी का स्वागत है। अभी चलते हैं, यहाँ से टिकट प्राप्त करते हैं तब कुछ कंफर्म होगा। हरिद्वार का जो जनरल टिकट कटता है तो लास्ट में आइएगा शंकर भगवान की मूर्ति के आगे, वहाँ से यहाँ। अभी हम लोग टिकट ले लिए हैं, हेमकुंड जो है 7:10 पे यहाँ से निकल देती है, 7 बजे मान लीजिए टाइमिंग है आने की यहाँ पे। आप लोग भी रेडी रहिए, भाई साहब हेलो कर रहे थे, तो आप लोग भी रेडी रहिए। 30 रुपये टिकट लगता है स्टेशन से यहाँ पे जनरल टिकट का, और एक ट्रेन और आती है 8 बजे से, उसका भी वो भी ट्रेन जाती है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो अभी चलते हैं ऋषिकेश, और एक नंबर का अभी सीन दिखाएंगे वहाँ पे, राम झूला, लक्ष्मण झूला, बहुत सारा चीज़ है। स्टेशन के रास्ते में पहले जा रहा हूँ, ट्रेन से पहली बार जा रहा हूँ, गोलू जी पहले जा चुके हैं, तो यही हमको अब रास्ता दिखाएंगे, जहाँ ले जाएंगे वहीं चले जाएंगे। जय भोले की, जय गंगा मैया। अभी फ़िलहाल चलते हैं हरिद्वार से, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आएगी हेमकुंड एक्सप्रेस, जो कि आई थिंक आ चुकी है, नहीं अभी आई नहीं, नहीं तो इस पे जगह नहीं मिलता आने जाने का। ये देख सकते हैं ये रूट पूरा बंद हो जाता है, खाली नहीं मिलता, अभी आई नहीं है। मैं देखा हूँ तो रुड़की से आधा और अंदर मतलब आ चुकी थी, 10 मिनट दिखा रहा था, 7 बजे तक टाइमिंग है और करेक्ट टाइम पे आ रही है। ये देखिए वंदे भारत खड़ी हुई है यहाँ पे, आई थिंक अभी तक का इतिहास में सबसे बेकार ट्रेन यही रहा है। बहुत सारी ट्रेन चलाई गई हैं, गरीब रथ बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेन थी, गरीब रथ बस कहने के लिए नहीं था, गरीब रथ, वो गरीब रथ असली में था, गरीबों के लिए एसी, फुल एसी गाड़ी था, बहुत कम किराया में बहुत बढ़िया सफ़र कराता था, अभी भी कराता है गरीब रथ। और ये वंदे भारत देखिए, जितना भी वंदे भारत मैं देख रहा हूँ सब के सब, अगर 500 सीट है तो उसमें से 350-400 सीट खाली जा रहे हैं, कभी कभी ऐसा हो रहा है 100 सीट बस बुक हो रहा है, इतना महंगा टिकट है। और इंडिया में अभी इतने बड़े लोग नहीं हो गए हैं कि क्या नाम है, पैसा ज़्यादा दे के टिकट ट्रेन से ट्रेवल करेंगे, जिसके पास पैसा वो फ्लाइट से हमेशा ट्रेवल करता है या तो पर्सनल गाड़ी से, और जो ट्रेन से सफ़र करता है वो समझ लीजिए या तो नॉर्मल बंदा है तो गरीब बंदा है। तो गरीब आदमी स्लीपर तक कोशिश करता है, और थोड़ा सा बढ़िया बंदा एसी तक कोशिश करता है, और वंदे भारत के लिए कोई
भी नहीं कोशिश कर रहा है। बस कौन जा रहा है कि पहली बार जो चेक करना है जिसको, वो जा रहा है और इमरजेंसी में कोई जा रहा है। बस सबसे कबाड़ ट्रेन इस समय यही साबित हो रही है, फेल हो गई एकदम रेलवे की ये ट्रेन। जो ये ट्रेन है वंदे भारत, ये ट्रेन में कमी नहीं है, एक नंबर का ट्रेन इंजीनियर ने बनाया है। हर एक फैसिलिटी, हर एक क्वालिटी, सब कुछ एक नंबर का है इसमें। बस यही है कि इसका भाड़ा बहुत ज़्यादा है, आम आदमी से दूर है, इसी वजह से खाली जा रहा है, घाटा करा देगा। इसका भाड़ा कम हो जाए, आधा हो जाए, तो एक नंबर का चलेगा, पूरा फूल रहेगा, कोई छोड़ेगा ही नहीं इस ट्रेन को। बहुत बढ़िया है, फीचर उचर सब चीज़ बढ़िया है, लग्जरी ट्रेन है। लेकिन ये है थोड़ा सा, अभी इसको प्रायोरिटी लेकिन ज़्यादा दिया जा रहा है। अब जिस हिसाब से इसमें पैसेंजर जा रहे हैं, उस हिसाब से इसको कम देना चाहिए। अभी हम लोग की ट्रेन देखिए आ चुकी है यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, और सब लोग जनरल बोगी में चढ़ चुके हैं, D2 में, और D3 तक है जनरल बोगी। 1, 2, 3, 4 बोगी है जनरल का। तो आइए सफ़र दिखाते हैं हरिद्वार से ऋषिकेश का। जनरल हाँ, अभी हम लोग की ट्रेन कुछ दूर आगे बढ़ चुकी है, बस लगभग यहाँ से 40 मिनट और लगेगा, एक घंटा लगता है जाने में, 20 मिनट हो गया चलते हुए। मोतीचूर, अभी स्टेशन मोतीचूर आ गया है, गजब का नाम। ऋषिकेश में पहुंच गए हैं एकदम आराम से और टाइमली, 2-4 मिनट आगे पीछे हुआ होगा, नहीं तो हम लोग टाइमली पहुंच गए ऋषिकेश। एक चीज़ ज़रूर ध्यान दें, आप अगर ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं तो ज़रूर अपना टिकट ले लें, क्योंकि दो तीन बार यहाँ चेक होता है ऋषिकेश आते टाइम। फिलहाल हम लोग राम झूला पे आ गए हैं, रेलवे स्टेशन से 20 रुपये सवारी चल रहा था। हम लोग विक्रम वाला जो गाड़ी है, ये 200 रुपये में एक तो बुक कर लिए थे, 23 लोग बड़े, 3 लोग छोटे, सब लोग आ गए हैं, एडजस्ट हो गए हैं, सही था रेट। तो अभी चलते हैं, यहाँ पे सबसे फेमस देखिए सामने ही दिख गया चोटी वाला। अभी हम लोग राम झूला पे हैं और यहाँ से जाएंगे, इस समय लक्ष्मण झूला फिलहाल बंद है क्योंकि उसका रिपेयरिंग चल रहा है। राम झूला पे हम लोग जाएंगे और जानकी झूला भी चालू है। तो अभी चलते हैं मार्केट को, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, खुद ही नहीं पता है अभी बहुत सारी चीज़ें, थोड़े बहुत देखे हैं चोटी वाला जैसे मुझे याद था। सामने राम झूला दिखने लगा है और टीम हमारी आगे बढ़ रही है, और ये देखिए गंगा मैया, जय हो गंगा मैया, एक नंबर का व्यू आ रहा है। गंगा मैया थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है इस समय, और ये रहा राम झूला, राम सेतु जो भी कह सकते हैं, वो आगे है, उधर है जानकी झूला, और इस समय लक्ष्मण झूला बंद है किसी कारणवश, थोड़ा रिपेयरिंग चल रहा है इस वजह से। तो अभी चलते हैं आगे और बताते रहते हैं आपको। हाँ, यहाँ पे बाइक रेंट पे बहुत ज़्यादा मिलता है, सब लगा हुआ बाइक रेंट हर जगह पर, ये स्कूटी है और बुलेट, हर एक गाड़ी मिल जाएगी आपको। अगर लड़के आ रहे हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, 2 लोग हैं, तो आराम से आप लोग जा सकते हैं घूमने, कम पैसे में हो जाएगा। 400-500 रुपया, 600 रुपया गाड़ी का रेंट शुरू हो जाता है, स्कूटी का और गाड़ी का। तो आप लोग आइए डायरेक्ट ऋषिकेश और यहाँ उतर के बाइक रेंट लेके, उसके बाद
अपना घूम सकते हैं इधर उधर। तीर्थ नगरी ऋषिकेश आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत। राम झूला इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्रिज थोड़ा सा हिलता है, इसलिए हाँ ये राम झूला चला था। अच्छा कहीं रहता थोड़ा थोड़ा। अब झूली जो लक्ष्मण झूला है वो ब्रिटिश टाइम का है, लगभग 93 साल हो गया है उसको, तो इसीलिए झूला थोड़ा सा कमजोर पड़ गया, इसीलिए उसको बंद कर दिया गया। अभी ये चलेगा। तो ये है कुछ नज़ारे यहाँ के, एक नंबर के। और यहाँ पे ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग भी होता है, यहाँ नहीं थोड़ा आगे चल के होता है। अभी शायद बंद है बाढ़ के कारण, पानी देख सकते हैं फ्लो कुछ ज़्यादा ही हुआ है। और यहाँ पे जो है विदेशी पर्यटक कुछ ज़्यादा लोग आते हैं। हिलने के कारण इसका नाम राम झूला पड़ गया। यहाँ पे बोटिंग भी होता है और स्नान, बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम कराए जाते हैं, होते हैं यहाँ पे। और नज़ारे तो एक नंबर के हैं, आप लोग देख ही सकते हैं आप लोग के समक्ष। और देख सकते हैं राम झूला, बच्चे लोग यहाँ पे देख सकते हैं नदी के पास पहुँच गए हैं एकदम, गंगा जी के पास। और ये ही गंगा नदी जो है आगे बढ़ के हरिद्वार तक गई है, हर की पौड़ी। और कल हम लोग स्नान किए थे, बहुत ही मज़ा आ गया था, ठंडा पानी। और नीचे से आपको दिखा दें, हटा जल्दी जल्दी हटा, हटो वहाँ से। गीता वस्त्रालय इधर भी है कुछ जाने वाला, लेकिन हम लोग जाएंगे इधर क्योंकि जा रहे हैं अभी लक्ष्मण झूला, तो यही रास्ता जाएगा लक्ष्मण झूला। और फिर जब उधर से आएंगे तब फिर इस रास्ते जाएंगे जानकी झूला। ये है चोटी वाला रेस्टोरेंट, बहुत फेमस है। और यहाँ देखिए बैठे हैं बन के चोटी वाला, ओरिजिनल चोटी वाला ये थे और आज ये बैठे हैं। दो ब्रांच है इसमें, कौन ओरिजिनल है कुछ पता नहीं चलता है। और लोग जाते जाते थक जा रहे हैं आधे रास्ते में, थकना मना है, आप लोग चलते रहिए। अभी पानी पीजिए। हम लोग वहाँ पीछे लंगर चला था लेकिन वो ऋषियों के लिए है, चाय नाश्ता कर रहे हैं, इसके बाद तब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सुबह से नाश्ता वास्ता नहीं हुआ, 10 बज गया है। और आगे कुछ खाने होने वाला मिला है, खीरा वीरा दिख रहा है, आगे भी बहुत कुछ खाने वाला है, उधर भी खाएंगे पियेंगे। और यहाँ से पहाड़ी दिख रहे हैं चारों तरफ, योग धाम है ऋषिकेश। ऋषियों का धाम है ऋषिकेश। दिस इज अ वे टू लक्ष्मण झूला। और अभी हम लोग थोड़ा चाय पिए, थोड़ा एनर्जी आया है, अभी कुछ नाश्ता पानी खाना करेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हम लोग धीरे धीरे आराम से चलते जा रहे हैं तो थोड़ा सही है। और यहाँ की नज़ारे, थोड़ा सा धूप हो गया है कल, और हमारी जो ग्रुप की दिशा जी हैं वो थोड़ा सा जो फॉरेनर थी उनको दोस्त बना लिए हैं और बातचीत करते हुए जा रही हैं।